and Schedule 4. Allocation of seats in Raj Sabha to the state and UT. शेड्यूल फोर जो डील करता है वो एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा से डील करता है कि किस यूटी में या किस स्टेट में राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी। हेलो एवरीवन, आज हमारा जो टॉपिक है वो है शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, SSC, CGL, MTS, CHSL, all exams, railway and all exams में ये schedules आपके बहुत important होते हैं। अब ऐसा होता है कि questions पूछने का तरीका अलग होता है। UPSC आपको अलग way में questions पूछेगी, but state PCS और जो भी आपके SSC exam लेती है ये अलग पूछती हैं। अब SSC आपसे कैसे पूछेगी, वो बस ये पूछेगी schedule 1 में क्या है, किससे related है। एंड यूपीएससी आपसे ये पूछेगी शेड्यूल 1 में ये रिलेटेड चीज़ें हैं या नहीं, वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगी। बट एसएससी आपसे वन स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछती है। तो आगे हम बात करते हैं शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटरी जुरिडिक्शन। इसमें स्टेट्स के नेम होते हैं और इनके टेरिटरीज के और जुरिडिक्शन से जो भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो शेड्यूल 1 इसको डील करता है। एंड शेड्यूल 2 ये प्रोविजन रिलेटिंग टू इमोलमेंट एंड अलाउंस एंड प्रिविलेजेस एंड सो ऑन। ये प्रिविलेजेस किसके होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली and the chairman and deputy chairman legislative assembly in states and the judges of supreme court and judges of high court. And schedule 3 forms of oath or affirmation. Jo schedule 3 hai wo deal karta hai oaths means shapath. First jo hota hai union of ministers and second candidates for election to the parliament, the member of the parliament, next the Comptroller and Auditor General of India means CAG, and next judges of Supreme Court, the state ministers and the candidate for election of state legislative and the member of state legislative, the judges of high courts. ये जितनी भी oaths होती हैं schedule 3 इनको deal करता है। और सारी oaths कौन दिलाता है, President of India। यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स को भी ओथ प्रेसिडेंट से दिलाते हैं और कैंडिडेट इलेक्शन टू द पार्लियामेंट उनको भी प्रेसिडेंट से दिलाते हैं और कैग को भी प्रेसिडेंट से दिलाते हैं। एंड शेड्यूल 4 एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूटी। शेड्यूल 4 जो डील करता है वो एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा से डील करता है कि किस यूटी में या किस स्टेट में राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी। एंड शेड्यूल 5 deal with the administration and control scheduled area as well as scheduled tribes. And schedule 5 deal karta hai administration and control of scheduled area and scheduled tribes both. And schedule 6 aapka deal karta hai provision related to the administration of tribals area in the state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. ये 4 स्टेट्स के प्रोविजंस शेड्यूल 6 डील करता है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं MTMA, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होगी याद करने के लिए MTMA। नेक्स्ट 7th शेड्यूल डील करता है स्पेसिफिक द एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जो पावर्स होती हैं उनको डील करता है। अब पावर्स 3 डिवाइडेड हैं, यूनियन लिस्ट की अलग पावर्स हैं, अन स्टेट लिस्ट की अलग एंड द कंटिनेंट लिस्ट में अलग। ये जो पावर्स हैं ये डिवाइडेड हैं हमारी 3 लिस्ट में, यूनियन एंड स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। एंड नेक्स्ट शेड्यूल 8 डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में वो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, जो टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। एंड शेड्यूल 9 कंटेन अ लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज
which cannot be challenged in court and was added by the Constitution. The First Amendment Act 1951. The First Amendment added 13th law to the schedule. And next schedule की बात करते हैं, schedule 10, anti-defection law. इसको added किया था, added by 52 Constitution Amendment 1985. And next schedule की बात करें, schedule 11, specifies the power and authority and responsibility of panchayat. It has 29 matters. The added by 73 Constitution Amendment 1992. जो schedule 11 है, ये most important हो जाता है आपका पंचायत सिस्टम से UPSC एंड PCS एंड SSC हर जगह आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बट पूछने का तरीका डिफरेंट होता है. UPSC आपको डिफरेंट वे में पूछेगी एंड SSC आपको डिफरेंट वे में, और PCS आपसे बस ये पूछेगी पंचायत सिस्टम किस शेड्यूल के अंदर आता है. तो ये शेड्यूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और PCS ये भी पूछती है कि पंचायत सिस्टम में जो शेड्यूल 11 में है उसमें कितने मैटर्स हैं, तो आपको ये याद रखने 29 मैटर्स हैं, जिससे कि 11 शेड्यूल डील करता है पंचायती सिस्टम को. एंड शेड्यूल 12 म्यूनसिपैलिटीज, इट हैज 18 मैटर एडेड बाय 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992. जो शेड्यूल 12 है वो डील करता है म्यूनसिपैलिटीज से, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है PCS के पर्सपेक्टिव से एंड SSC CGL के पर्सपेक्टिव से. तो ये इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं जो मैंने आपको बताए. एंड थैंक यू. आपको कैसे जानकारी लगी ये प्लीज़ कमेंट में बताइए, जिससे मैं पता लगेगा कि हमारी कहाँ की चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं. थैंक यू.